लास्ट हमने जो है वो रिएक्ट की एक हेलो वर्ल्ड ऐप बना ली थी, क्रिएट रिएक्ट ऐप के सीएलआई को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, और इसको हमने जो है वो ब्राउज़र पे रन करके देख लिया था। इसको अगेन ब्राउज़र पे मैं रन कर देता हूँ, जिसके लिए मैं क्या लिखूँगा, npm start। ठीक है, npm start लिखते हुए मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं ये इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, cv वाले जो डायरेक्टरी में मैं मौजूद हूँ। ठीक है, ये जो cv है ये मेरी डायरेक्टरी है। अच्छा, पहले मैंने बनाया 5.react, इसमें एक प्रोजेक्ट मेरे पास है cv के नाम से। अभी मैं मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी इसमें बनाऊँगा, तो इस cv के फोल्डर के अंदर आके मैंने npm start की कमांड चलानी है। ठीक है, npm start की कमांड अब जब भी चलाते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि जिस फोल्डर में हम खड़े हुए हैं उस फोल्डर में ही package.json होना चाहिए। ठीक है, जब npm start की कमांड फिर सही चलती है। अगर मैं इस फोल्डर में जिसमें खड़ा हुआ हूँ उसके रूट पे package.json नहीं है तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा, आज हमने करना ये है कि इस हेलो वर्ल्ड ऐप को होस्ट करके और फिर इस पर क्रड ऑपरेशन वाले की तरफ हम मूव कर देंगे। तो इसको होस्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ छोटा मोटा एडिटिंग कर लेते हैं, और वो एडिटिंग हमने क्या करनी है भला, जो डेव सीडिया ने आर्टिकल में जो करवाई थी ना, आई एम नॉट श्योर क्या वो, मैंने जो लास्ट टाइम हेलो वर्ल्ड बनाया था वो मैं कैसे रिट्रीव कैसे कर सकता हूँ उसको वापस, कोई तरीका है मेरे पास? क्योंकि गो हेयर करूँगा तो ये तो मुझे डायरेक्ट न्यू पे लेके चला जाएगा ना। एक काम करता हूँ, कोड सैंड बॉक्स में जाके ना, हाँ ये मेरे ख्याल हिस्ट्री से ही आ रहा है मेरे, इस पे जाके देखते हैं क्या बना हुआ है। हाँ सही है, ये मैंने हिस्ट्री से ना गेट कर लिया वापस, जो लास्ट टाइम बना रहे थे ना एग्जैक्टली ये वही खुल गया हमारे पास, ये मेरी हिस्ट्री से मैंने निकाल लिया इसको। अच्छा, तो इसके इंडेक्स के अंदर जो बात लिखी हुई है ना, हम वही बात क्या कर लेते हैं यहाँ पे वापस से बना लेते हैं। ठीक है, ये जो सारा का सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यही वाला कोड क्या करते हैं, हम उधर भी लेके चले जाते हैं। सही है, हमने यहाँ पे फिर हेलो वर्ल्ड लिखा था सिर्फ, लेकिन अब हम क्या करने लगे, हम ये वाला काम यहाँ पे पूरा का पूरा कर देते हैं। ठीक है, जो हमने कोड सैंडबॉक्स में किया था, तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे मुझे ये कहाँ गया मेरा वो रिज़ल्ट, अभी तो यहीं था, चलो अलग से खोल लेते हैं, लोकल होस्ट 3000 है ना वो। सही है, ये खुल गया मेरे पास, वही सेम चीज़ खुल गई है। अच्छा, css की फ़ाइल इसमें बनी हुई नहीं है अभी, बना लेता हूँ मैं। अच्छा नहीं, बनी हुई है index.css यार, index.css के नाम से एक css की फ़ाइल बनी हुई है ना, तो इस index.css के अंदर आके इसमें जो पहले से लिखा हुआ css है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं अपना खुद का css लगाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ h1 का जो है ना, आप क्या कर दो, कलर जो है वो रेड कर दो। ठीक है जी, तो h1 का कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से जो हमने इसमें क्लास नेम करके माई लिस्ट लिखा था यहाँ पर मैंने, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे वो वाली फ़ाइल नहीं मिली ना css वाली, नहीं मिली भी है यार, हाँ css की फ़ाइल में ये जो कुछ लिखा हुआ था मैं इसको भी मान ले जाऊँगा, ये हमने बड़ा देख के सोच समझ के लिखा था ये css, बड़े कॉपी नहीं हुआ सही। यार मेरा पीसी हैंग क्यों हो जाता है अक्सर, क्या चक्कर है ये, डिड यू कॉपी समथिंग, डिसेबल दिस वार्निंग। मेलवेयर बाइट ने उसको क्या कर दिया, वो कर दिया। योर क्लिप बोर्ड वॉज एक्सेस फ्रॉम दिस साइड, ये कौन कौन से फीचर हैं, और अब मुझे लग रहा है इंटरनेट भी बंद हो गया। हाँ नहीं, इस पर तो एरर आएगा ना, क्योंकि वो यहाँ पे मैंने कोड गलत किया हुआ था। नहीं, इंटरनेट तो चल रहा है यार। इसको मैं यहाँ से कट करके इस टैब को बंद करता हूँ पूरा, और एक नए टैब में इसी को दोबारा से खोलता हूँ। बैटरी सेविंग को भी ज़रा बंद कर दूँ मैं।
यार ये क्यों क्यों नहीं खुल रहा, क्या चक्कर हो गया ये? यार इनकॉग्निटो में खोल देता हूँ उसको, इनकॉग्निटो में नहीं होता ना, एक्सटेंशन सारे हट जाते हैं खुद ही। सही है जी, फाइनली मैंने बड़ी जद्दोजहद और मुश्किलात के बाद ये CSS क्या कर लिए, कॉपी कर लिए वहाँ से। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि ये CSS में क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो लास्ट क्लास में एब्सेंट था। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह से ये बन के आ गया। CSS लगने से पहले क्या था, ये सीधा था, और अभी हमने क्या कर दिया था, इसको फ्लैक्स बॉक्स लगा के और इसकी विड्थ वगैरह सेट करके इसको साइड बाई साइड कर दिया था एक एक आइटम को। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब मैंने क्या करना होता है, इसको बिल्ड करना होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन बिल्ड करने से पहले ज़रा हम एक चीज़ देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर ना जो जो मेरे पास फोल्डर और फाइल्स मौजूद हैं उसका ज़रा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो जी हमारे पास नॉड मॉड्यूल का फोल्डर है। नॉड मॉड्यूल का फोल्डर आपको पता है हम अपने प्रोजेक्ट्स में जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तमाम की तमाम वो इस नॉड मॉड्यूल में आके सेव हो जाती है। ठीक है, आप अच्छा हम CDN भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन CDN लगाने से बेहतर ये है कि मैं NPM इंस्टॉल करूं और वो मेरे पास लोकली आके यहाँ पे स्टोर हो जाए इस फोल्डर के अंदर। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है ना एक package.json की फाइल है। package.json की फाइल में उन तमाम लाइब्रेरीज का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, और भी कुछ इस तरह की डिटेल्स होती हैं जो डेवलपमेंट से मुतालिक होती हैं, जैसे कि हमारे पास डिपेंडेंसीज के नाम से यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज का जिक्र हुआ हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मैंने जो नाम रखा था मेरे पैकेज का वो CV वो रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये प्राइवेट ट्रू पता नहीं क्यों किया इसने, हालांकि प्राइवेट फॉल्स होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, और कुछ स्क्रिप्ट वगैरह इन्होंने पहले से लिखी हुई है, जो NPM स्टार्ट हम स्क्रिप्ट चलाते हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये कमांड है जो चल रही होती है। ठीक है, ये इन्होंने पहले से बॉयलर प्लेट में मुझे बना के दिया हुआ है। बॉयलर प्लेट सब लोगों को पता है क्या होता है? कितने लोगों को बॉयलर प्लेट नहीं पता? सबको पता है, गुड। अच्छा बता दो फिर कोई एक आप में से खड़ा होगे। हाँ भाई, तुम नहीं बताओ, कोई और बताएगा, तुम बताओ भाई। ब्लैक चेक शर्ट है तो बताओ, बोलो ना नहीं पता है, तुम बताओ भाई चश्मे वाले पीछे। हाँ भाई तुम बताओ छोटे। फायदा क्या होता है बॉयलर प्लेट का? जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। बॉयलर प्लेट हम उस कोड को कहते हैं जो हमें बेसिक कोड चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि जो हमने ये अभी बनाया ना प्रोजेक्ट, इसके अंदर बहुत सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है। इसकी मिसाल बॉयलर प्लेट की, बर्गर प्लेट कहते हैं तवे को कहते हैं प्लेट, सही है? ठीक है, तो जो बर्गर वाले की हम मिसाल लेके इसको समझ सकते हैं कि बर्गर वाला जब दुकान खोलता है आके तो उसका जो तावा होता है वो मोटा होता है, 1 इंच 1.5 इंच मोटा तावा होता है, तो वो फौरन गर्म नहीं होता, सही है? उसको जला के थोड़ी देर बॉयल करना पड़ता है, थोड़ी देर में गर्म होता है वो, आधा पौना घंटा उसको बाकायदा लगता है गर्म होने में, उसके बाद उस पर बर्गर बन सकता है। ठीक है, तो बर्गर वाला मोस्ट प्रॉब्ली क्या करता होगा, आता होगा जब दुकान खोलने तो सबसे पहले तावे को साफ़ करके उसके नीचे वो आग जला देता होगा, उसके बाद अपने छोटे मोटे दूसरे कामों में लग जाता होगा, इतने देर में वो तावा गर्म हो जाता होगा। अगर एकदम कोई फॉरेन कस्टमर आ जाए दुकान खोलते ही तो उसको माजरत करनी पड़ेगी कि नहीं यार मैं अभी आपको दवा यहाँ पे बर्गर नहीं दे सकता क्योंकि मेरा अभी प्लेट गर्म हो रही है मेरी, वो गर्म होगी जब पूरी जब बनेगा, सही है? तो कोडिंग में भी इसी तरह होता है कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर हाल में करनी ही करनी है शुरू में, और वो हर प्रोजेक्ट में सेम होती है। ठीक है, जैसे कि एक HTML की फाइल बनाओगे आप, अगर 4 पेजेस की वेबसाइट है तो 4 अलग अलग पेजेस बनाओगे आप, उसमें नैव बार होगा उसमें, तो ये कोड जो है ना बॉयलर प्लेट होता है। तो ये जो हम करते हैं ना क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम लिखते हैं, इससे हम एक छोटी सी ऐप ये बना के दे देते हैं जिसमें हम NPM स्टार्ट करते हैं तो चल जाती है ऐप। तो ये जो ऐप है ये दरअसल बॉयलर प्लेट ऐप है, ये अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन हमें रिएक्ट क्रिएट ऐप वालों ने के नाम से एक CLI बना के दे दी जिसमें ये बॉयलर प्लेट हमें पहले से बना हुआ मिल जाता है। अच्छा, आम तौर पे जो डेवलपर्स होते हैं वो
इस बॉयलर प्लेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। सही है, हर एक्सपीरियंस डेवलपर का अपना बॉयलर प्लेट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे अगर मैं बात करूँ चैटबॉट की, तो मेरे पास अगर मेरे से कोई बोलेगा FAQ का चैटबॉट चाहिए, तो क्या मैं फ्रॉम स्क्रैच उसको बनाऊँगा? नहीं, मेरे पास वो पहले से बना हुआ है, मैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा और आगे कर दूँगा। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोलेगा कि यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए 4 पेज की, तो मेरे पास वो पहले से रिएक्ट पे उसका बना हुआ है टेम्पलेट, जो मैंने अपने लिए बॉयलर प्लेट हर डेवलपर अपने लिए बना के रखता है, जो मोस्टली उसके पास जिस तरह का काम आ रहा होता है उस तरह का वो बना के रखता है। कंपनीज़ का अपना बॉयलर प्लेट होता है, जो कंपनीज़ के पास जिस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही होती है, तो उन्होंने बॉयलर प्लेट बनाया हुआ होता है, उस पर काम करते हैं। क्योंकि अगर हर ऐप को मैं फ्रॉम स्क्रैच बनाने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा, और फिर वो जो क्या वैल्यू टू मनी वाला जो ना गेम उतर जाएगा फिर, क्योंकि जितना मैं टाइम लगा रहूँगा उतना फिर मुझे पैसा मिलेगा नहीं। तो लिहाजा करना ही होता है कि टाइम मुझे बचाना होता है। ठीक है, यानी एक बॉयलर प्लेट इस तरह का, क्योंकि लॉग इन साइनअप देखो हर ऐप में होता है, तो एक बॉयलर प्लेट इस तरह का हो सकता है कि जी 2 पेज बने हुए हो लॉग इन साइनअप के, फॉरगेट पासवर्ड का पेज बनाओ, ये तो हर ऐप में होगा, इसके लिए तो कोई वो दो राय नहीं है। और 4 पेजेस बने हुए हों, 4 पेज में हेडिंग की जगह लगी हुई हो, नैव बार बना हुआ हो, और बेसिक चीज़ें कुछ हों उसमें लगी हुई, बेसिक CSS लगी हुई हो उसमें, जैसे वो नैव बार जाहिर है वो सीधा ही होगा और टॉप राइट पे ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर का गोल बना हुआ ही होगा उसमें। तो इस तरह का एक बॉयलर प्लेट अगर किसी ने बना के रखा हुआ है तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है ये। ठीक है, अच्छा, बॉयलर प्लेट और टेम्पलेट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ठीक है, टेम्पलेट आप ख़रीदते हैं बना बनाया, वो आपके हाथ का कोड नहीं होता। बॉयलर प्लेट जो है वो मोस्टली आप ख़ुद बनाते हैं, और बॉयलर प्लेट भी किसी का बना हुआ भी उठा सकते हैं। जैसे एक लास्ट क्लास में एक दोस्त जिक्र करते हैं, वाइट करके एक है CLI, तो उसने क्या किया, बहुत सारे बॉयलर प्लेट बना के रखे हैं पहले से। ठीक है, तो बॉयलर प्लेट भी आप ख़रीद भी सकते हैं। कोई बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं मार्केट में, उनका एक नाम होता है। जैसे जब मैंने शुरू किया था कोडिंग, तो उस वक्त एक जॉन पप्पा होते थे, वो बड़े मशहूर थे, तो उनके CSS के मतलब अप्रोच और जो ना जो कोड लिखने का अप्रोच, वो पूरी दुनिया उनको फॉलो करती थी। ठीक है, अब इस तरह का कोई नाम वैसे अभी मेरे जहन में नहीं है फ़िलहाल, लेकिन उस वक्त बड़ा चलता था उनका डिज़ाइन गाइडलाइंस। तो बॉयलर प्लेट भी आप बाय भी कर सकते हैं और किसी का फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, उन्होंने अपना बॉयलर प्लेट पब्लिक किया हुआ होता है कि जी मैं ऐसे बनाता हूँ, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्टिल बॉयलर प्लेट में और टेम्पलेट में डिफरेंस होता है। टेम्पलेट क्या होता है कि जी वो पहले से प्लेस होल्डर्स होते हैं, आप जस्ट उसको रिमूव करते हैं और चला लेते हैं। ठीक है, बॉयलर प्लेट क्या होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं या रीयूजेबल पेजेस होते हैं या रीयूजेबल कोड होता है। ठीक है, वो टेम्पलेट के जितना नहीं होता है कि जी जस्ट प्लेस होल्डर रिमूव किया और चल गया। बॉयलर प्लेट को इस्तेमाल करने के लिए टेक्निकल कॉम्पिटेंसी पूरी चाहिए होती है आपको। अच्छा, तो ये इन्होंने बॉयलर प्लेट जो बना के दिया ना, इसको हम असल में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जी ये कैसे, अब ये स्क्रिप्ट जो है वो कैसे बनी हुई अंदर, ये मुझे शायद इतना ज़्यादा गौर करने की इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे बनी है, बस इन्होंने बना के दी है और ये बॉयलर प्लेट का पार्ट है, ये हर दफ़ा मुझे इसी तरह बनी हुई मिलेगी। अच्छा, तो ये हमने दूसरी फाइल देख ली। अच्छा, package.lock.json, ये पैकेज लॉक क्या चीज़ होता है, किसी को पता है? हाँ भाई, नहीं डिपेंडेंसीज तो ये लिखी हुई है ना, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वर्जन तो लिखा हुआ था वहाँ पे भी। अच्छा, और भाई कोई बताए? नहीं, डिपेंडेंसी की क्या होती है समझा नहीं, डिपेंडेंसी की और डिपेंडेंसी होती है। नहीं, वो तो देखो दोनों ने यही बात की, आपने सेम बात की है कि जी जैसे यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट डॉम करके एक लाइब्रेरी है, या मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एग्जियोस करके लाइब्रेरी है। ठीक है, अब एग्जियोस आगे किसी और लाइब्रेरी को इस्तेमाल करता है, अगर एग्जियोस की अपनी कोई डिपेंडेंसीज हैं, तो वो जब एग्जियोस इंस्टॉल होगा मेरे पास तो वो डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो जाएगी साथ साथ, तो उसको क्या मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत है? मतलब क्या ऐसा, मतलब नए प्रोजेक्ट में अगर मैं एग्जियोस इंस्टॉल करता हूँ तो एग्जियोस की मजीद आगे जितनी डिपेंडेंसी है वो सारी खुद ही इंस्टॉल हो जाती है ना। तो अगर मैंने सिर्फ एक लाइब्रेरी का नाम लिख दिया जो एक्चुअल में मुझे चाहिए, तो उसके मजीद अंदर जो डिपेंडेंसीज है उसका क्या मुझे ख्याल रखने की ज़रूरत है? हाँ भाई छोटे, सवाल ही नहीं सुना तुमने।
भाई सबसे पहले ये सारे कंप्यूटर के मॉनिटर बंद करो। शहजाद खड़े हो पीछे जाओ तुम, देखो सबके मॉनिटर बंद करो। हाँ भाई पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन, वो लोग जिनको रिएक्ट पहले से आती है, किधर गए वो सारे के सारे? किधर हैं वो सारे बंदे जो कह रहे थे हमें तो रिएक्ट आती है सर, आगे चलें? एक को भी नहीं आती। अच्छा बता देता हूँ मैं पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन क्या चीज़ है। देखो पैकेज लॉग क्या होता है कि पीयर डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। पीयर डिपेंडेंसी क्या होती है, एक तो एक्सियोस है, वो खुद किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ये पीयर डिपेंडेंसी नहीं कहलाएगी। पीयर डिपेंडेंसी ये होती है कि जैसे एक्सियोस है, आगे वो एक डिपेंडेंसी इस्तेमाल कर रहा है रिक्वेस्ट के नाम से, या कोई भी और हो सकती है इस तरह की, रिक्वेस्ट के नाम से हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि डिपेंडेंसी वो खुद इस्तेमाल करता है अपने लिए, यानी ऑन द टॉप ऑफ दैट लाइब्रेरी उसने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, और वो रिक्वेस्ट की एक ख़ास वर्जन को इस्तेमाल करता है, सही है। अच्छा फिर एक दूसरी लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल की हुई है, जैसे कि रिएक्ट डॉम, ठीक है, ये रिएक्ट डॉम भी उस आगे उसको डिपेंडेंसी के तौर पे इस्तेमाल करती है। जैसे लोड डैश करके एक लाइब्रेरी है, वो अक्सर लाइब्रेरी के बैकएंड पे जो है ना वो लगी हुई होती है। अक्सर लाइब्रेरीज़ का आप सोर्स कोड खोलेंगे तो लोड डैश करके एक लाइब्रेरी है वो आपको नज़र आएगी, और भी इस तरह की बहुत सारी हैं। अब एक एक्सियोस जो है वो उसी लाइब्रेरी का एक मुख्तलिफ वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, और रिएक्ट डॉम उसी लाइब्रेरी का एक मुख्तलिफ वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाती है गड़बड़, सही है, ये एक सिचुएशन है। अच्छा इस तरह की एक और सिचुएशन हो सकती है कि मिसाल के तौर पे कोई एक लाइब्रेरी है वो रिएक्ट 16 पे ऑप्टिमाइज्ड है, वो रिएक्ट 16 उसको चाहिए, ठीक है, या उससे हायर वर्जन चाहिए। एक दूसरी लाइब्रेरी है उसको चाहिए रिएक्ट 17 या उससे हायर वर्जन। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है ना उसमें क्या होता है कि बाद में जब वो लाइब्रेरी अपडेट हो जाती है, अभी तो जैसे मैंने इंस्टॉल किया रिएक्ट डॉम को भी इंस्टॉल किया और एक्सियोस को भी इंस्टॉल किया, अभी तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं जो भी इंस्टॉल करूँगा वो अभी के हिसाब से ओके होगा। लेकिन आज से 3 महीने बाद जब मैं ये दोबारा गिट से क्लोन करूँगा और क्लोन करने के बाद उसमें चलाऊँगा npm इंस्टॉल, तो उस वक्त तक क्या हो चुका होगा, एक्सियोस बोलेगा कि मुझे तो पता नहीं 17 चाहिए, कौन सा चाहिए, ठीक है, हालांकि मेरे पास लगी हुई है 16। अच्छा या फिर कोई एक लाइब्रेरी होगी वो क्या बोलेगी कि भाई मुझे तो 17 पे मसला है, मुझे 16 ही चाहिए, समझ रहे हो? तो इस तरह की सिचुएशन होगी, ऑब्वियसली ज़रूर होगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन क्या करता है कि एक्सियोस जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो एक्सियोस और उसकी आगे जितनी भी डिपेंडेंसीज है उसको वो लॉक कर लेता है, सही है। जो मेरा सवाल था ओरिजिनल कि भाई अगर मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ एक्सियोस एक नए प्रोजेक्ट में, तो उसके डिपेंडेंसी जितनी है वो खुद इंस्टॉल हो जाएगी ना, तो क्या मुझे इस चीज़ को कीप ट्रैक रखने की ज़रूरत है कि अभी जो मैंने एक्सियोस किया है उसने पीछे कौन कौन सी और लाइब्रेरी इंस्टॉल की है? हाँ इसकी मुझे ज़रूरत है, यही करता है पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन, ठीक है। लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे क्यों है, क्योंकि आज से 3 महीने बाद जो है ना एक्सियोस की जो डिपेंडेंसीज हैं आगे वो सारी अपडेट हो चुकी होंगी, एक्सियोस खुद भी अपडेट हो चुका होगा। तो पैकेज डॉट लॉक अगर मेरे पास मौजूद है फाइल, मैं कमिट करता हूँ कंटिन्यूसली और पैकेज डॉट लॉग हर कमिट में मेरे मौजूद है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, की ट्रैक कर सकता हूँ, या मैं बोलूँगा कि यार एग्जैक्टली जो पैकेज डॉट लॉक में है ना वही इंस्टॉल करो, तो भले अपडेट हुआ हो लेकिन वो उसी को करेगा जो मेरे पास इंस्टॉल था, ठीक है। पैकेज डॉट लॉक के आने की वजह से बहुत सारे जो पीयर डिपेंडेंसी के इशूज़ ख़ास तौर पर ना ये बड़े हद तक रिजॉल्व हो गए। ये इस लेवल पे आपको पता ही नहीं लगेगा पैकेज लॉक का क्या यूज़ है ना, वो इस लेवल पे पता ही नहीं लगेगा, जब एक प्रोजेक्ट पे आप कंटिन्यूसली 3 महीने 4 महीने काम करोगे जब आपको पता चलेगा। हाँ कॉन्फ्लिक्ट मारेगा वो दोनों। देखो जब हम npm से इंस्टॉल करते हैं तो पैकेज लॉक बनता है, और अगर यार्न से करेंगे तो यार्न लॉक बनेगा, काम दोनों एक ही करते हैं लेकिन ये दो अलग अलग पैकेज मैनेजर है ना, तो दोनों अलग अलग स्टाइल से उसको चला रहे होते हैं। हाँ रेकमेंडेड यही है कि आप एक पैकेज मैनेजर इस्तेमाल करें, दो नहीं करें। अगर यार्न कर रहे हो तो सिर्फ आप यार्न करो, ये वाला नहीं करो तेरा npm। लेकिन ये है कि जो प्रोडक्शन में ना npm ही ज़्यादा रेकमेंडेड होता है, ख़ास तौर पे उन प्रोजेक्ट्स में जिसमें आप में कोई मतलब मस्ती मजाक नहीं चाहते,
क्योंकि npm जो है वो Node.js का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है. npm जो काम करता है ना उसको सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स उसको सपोर्ट करते हैं फ़ौरन. यार्न ऑन अदर एंड जो है वो यार्न असल में बीच में फेमस हो गया था क्योंकि उसने ना फ़ौरन फ़ौरन स्ट्रेटजी अपनी चेंज की थी. जो बिग एलिफेंट होता है ना वो फ़ौरन मूव नहीं कर सकता. तो npm ने वो सारे काम किए हैं जो यार्न बीच में कर रहा था, लेकिन ज़रा स्लोली किए हैं और ज़रा एक इस तरह मतलब एक क्या उसको बोलेंगे केयरफुल मैनर में किए हैं. तो जो बिग एलिफेंट होता है ना वो एकदम मूव नहीं कर सकता, उसको ज़रा टाइम लगता है, स्लो स्लो होता है. तो npm ने वो सारे फीचर अभी कर दिए इंस्टॉल इसमें भी ना. तो npm जो है वो मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है. यार्न वगैरह जो है ना वो थर्ड पार्टी पैकेज मैनेजर्स हैं, कर सकते हैं वो आप इस्तेमाल, लेकिन सम टाइम जो है ना उसकी आपको सपोर्ट के इशूज़ देखने को मिल सकते हैं. वेल तो ये हमने देख लिया जी पैकेज जेसन और पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन. गिट इग्नोर आप सब लोगों को पता है. गिट इग्नोर क्या होता है? वो फाइल होती है जिसके अंदर हम लिस्ट बना देते हैं कि भाई ये फोल्डर या ये फाइलों को गिटहब में नहीं भेजना. अच्छा, ये गिट इग्नोर पहले मैं हाथ से बनाता था, लेकिन मेरे बॉयलर प्लेट में मुझे ये गिट इग्नोर बना के मिला कि जी नॉट मॉड्यूल को नहीं भेजना. ठीक है, डॉट पीएनपी, अब पता नहीं कौन सी फाइल इसमें बनती है डॉट पीएनपी, सही है, तो ये वाली सारी फाइलें नहीं भेजना. सही है, बिल्ड का फोल्डर है वो भी कह रहा नहीं भेजना. डी एस स्टोर मैक के अंदर हर फोल्डर में डी एस स्टोर का पता नहीं क्यों बना देता है ये, फाइल सिस्टम स्पेसिफिक एक चीज़ है ये. ठीक है, env.local.env की जो फाइल बनाते हैं हम, वो इन्होंने देखो पहले से उसका ख्याल रखा हुआ है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी शायद, तो ये बॉयलर प्लेट के अंदर इसको इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने. अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास src का फोल्डर. ठीक है, src के अंदर ना मेरे पास एक सेटअप टेस्ट डॉट जेसन है, डॉट js है, रिपोर्ट वेब वाइटल डॉट js है. ये दोनों फाइल जो है ना इसको हम अगर रिमूव भी कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है. ठीक है, रिपोर्ट वेब वाइटल जो है वो एक रिपोर्टिंग टूल है, लेकिन इस लेवल पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ना इसको हमें इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत है कि ये करता क्या है. ये बॉयलर प्लेट का लेकिन पार्ट इन्होंने रखा है, तो दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी के लेवल के लिए नहीं है ये. और दूसरा है टेस्ट केसेस जो लिखते हैं हम, सब लोगों को उसका आइडिया होगा होपफुली. टेस्ट केसेस क्या होते हैं कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसके लिए हम टेस्टिंग लिख देते हैं, ताकि जब छोटे छोटे यूनिट्स पे जब काम किया जाए कंटिन्यूसली तो उसको टेस्ट भी किया जा सके कि यार एक चीज़ में आगे से फीचर ऐड करता जा रहा हूँ तो पीछे जो ऑलरेडी बने हुए फ़ीचर हैं वो तो ऐसी तैसी तो नहीं हो रही उसकी. ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में तो एक चीज़ याद करते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, वो तो वो वाला हिसाब ना हो जाए. तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई नया फीचर ऐड करते हैं वो सारे टेस्ट हम चला लेते हैं, ताकि हमें मेक श्योर करना पड़ता है इससे कि पीछे जो फ़ीचर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ गया जो नए फीचर्स की वजह से. तो उसके लिए मैं यूनिट टेस्टिंग लिखता हूँ, या टेस्ट केसेस कह सकते हैं उसको, हम वो लिखते हैं. तो ये उसके लिए एक फ़ाइल इन्होंने बना के रखी हुई है छोटी सी, जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं करने वाले हैं. ठीक है, लोगो svg आपको पता है एक इमेज का फॉर्मेट होता है, जो इन्होंने अपने होम पेज पे जो ना वो दिखाया हुआ था उसका ना रिएक्ट का जो लोगो है ये वो है. सही है, तो ये svg है. svg को VS कोड ने ऐसा खोल के दिखा देता है, अगर आप डायरेक्ट svg पे डबल क्लिक करेंगे तो एज अ पिक्चर वो खुल रहा होता है जी. हाँ नहीं, इसको फाइंडर में देखते हैं ना अभी. ये है देखो लोगो डॉट svg, ये नहीं, अब ये कहीं ना कहीं तो इसको शो कर रहा था ना ये. नहीं देखो यहाँ पे ना 192 का है, यहाँ पे 512 का है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला भी देख लेते हैं ना क्या साइज़ है इसका, कहाँ चला गया. यार ये लिस्ट फॉर्म में कैसे दिखेगा. हाँ ये रहा, इसका जो साइज़ है ना मेरा भाई, वो हम देख लेते हैं क्या है. अच्छा साइज़ इसका है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है. वेल svg इमेज का वैसे भी साइज़ नहीं होता, क्योंकि वो वेक्टर इमेज होती है ना. svg जो होती है वेक्टर इमेज, पता है ना सब लोगों को, वेक्टर इमेज में पिक्सल्स नहीं होते, उसको जितना भी जूम करो वो पिक्सलेट नहीं होती है. तो असल में वेक्टर इमेज का वैसे भी साइज़ नहीं होता. तो ये svg इन्होंने ना एक वेक्टर इमेज रखी हुई है यहाँ पे, और ये जो है ना लोगो 512 और लोगो 192, ये दो अलग अलग साइजेस में इसका png फॉर्मेट बनाया. png फॉर्मेट पिक्सल वाला होता है, ये जितने साइज़ का बना हुआ है ये उतने ही साइज़ का डिस्प्ले किया जाता है. ठीक है, अदरवाइज ये क्या होता है, पिक्सलेट होता है.
तो ये तीन फॉर्मेट में जो है ना एक ही इमेज को रखा हुआ है और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट को लगाया होगा। वेल हमने तो इंडेक्स डॉट जी एस को रिप्लेस कर दिया है ना, तो जब आप ये बॉयलर प्लेट नया नया बना था उस वक्त अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ पर अप्लाई हुआ है तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो SRC के फोल्डर में हमारे पास जो है वो क्या क्या मौजूद है। एक index.js मौजूद है जो कि मेरा रिएक्ट की स्टार्टिंग फाइल है, यहीं से हमारे रिएक्ट का जो सोर्स कोड है वो शुरू होगा, पहली फाइल है। जैसे हम जब प्लेन HTML की फाइल बनाते थे उसमें हम index.html के नाम से फाइल रखते हैं जो पहली फाइल होती है, इसमें index.js के नाम से, क्योंकि ये JavaScript की ऐप है। अच्छा, index.css इसके साथ अटैच हुई भी है, ये हमने हेलो वर्ल्ड में देख लिया था कि कैसे अटैच हुई है। ठीक है, इस तरह करके हमने इसको अटैच किया हुआ है। अच्छा, लोगो यहाँ पे एक इमेज है, इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये रिपोर्ट वाइटल और सेटअप टेस्ट, इन दोनों को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप बॉयलर प्लेट में इन दोनों फाइलों को रिमूव करेंगे ना तो एक एरर आ जाएगा, क्यों कि इंडेक्स में ना इसको इम्पोर्ट किया हुआ होता है, लेकिन क्योंकि मैंने इंडेक्स पूरा नए सिरे से बनाया है तो मुझे कोई एरर नहीं देगा ये। ठीक है, अदरवाइज़ अच्छा, तो देखो सोर्स में ना मेरे पास ये दो ही फाइलें हैं अभी, तो ये मिनिमम की तरफ इसको मैं लेके जा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, पब्लिक के अंदर आ जाते हैं। पब्लिक क्या है मेरा कि एक HTML की प्लेन ऐप है, राइट, एक HTML की प्लेन ऐप है। रिएक्ट जिस तरह से काम करता है वो काम ये होता है कि मेरी ये प्लेन HTML की ऐप होती है, इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, एक अदद डिव बनाता हूँ जिसको मैं कोई भी ID दे सकता हूँ। ठीक है, कोई भी ID दे सकता हूँ इसको मैं, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके इसके साथ एक JavaScript की फ़ाइल को अटैच करता हूँ, जो कि आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है JavaScript की फ़ाइल कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिंक से लगी हुई होगी है, नहीं यहाँ पे बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये अब आएगी कैसे, इसमें अटैच होगी कैसे, अभी तो इसमें कोई JavaScript की फ़ाइल है ही नहीं और ना हम इस फाइल को डायरेक्ट रन करते हैं, तो ये चक्कर है क्या। ये चक्कर ये है कि बॉयलर प्लेट कोड में ना एक लगा हुआ है वेब पैक के नाम से, एक मंजन लगा हुआ है, वो करता ही है कि जब आप इस पे चलाते हैं ना npm start तो वो इस फाइल को उठाता है और यहाँ जो आपने src में जो कोड लिखा हुआ है ना इसको उठाता है और इन दोनों को मिलाता है और आपको दिखा देता है स्क्रीन पर। ठीक है, इन दोनों को क्या करता है, मिला देता है। अच्छा, मिलाता कैसे है, मिसाल के तौर पे मेरी जो ऐप होगी ना रिएक्ट की, इसमें JavaScript की एक से ज़्यादा फाइलें होंगी, उन तमाम फाइलों को मर्ज करता है, मर्ज करके एक सिंगल फाइल बनाता है और सिंगल फाइल बना के क्या करता है, इसके दरमियान में ना यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसको अटैच करता है और स्क्रिप्ट का टैग लगा के अटैच करने के बाद इस HTML को भी एज इट इज़ रखता है, वो उसकी एक नई कॉपी बनाता है। अच्छा, वो कॉपी मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, देखो इस वो कॉपी मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, जो इधर चल रही है ना मेरे पास एक्चुअल फाइल, ये जो फाइल मेरे पास रन हो रही है यहाँ पे, वो ये कौन सी फाइल रन हो रही है ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ, मेरे फोल्डर में वो फाइल मौजूद ही नहीं है। ठीक है, समहाउ ये कोई अंदर बनाता है, कोई हिसाब किताब करता है। बहरहाल ये क्या करता है, दो टूल हैं इसके, बेबल और वेब पैक, उसके ज़रिए क्या करता है, यहाँ से ये HTML उठाता है और यहाँ से ये JavaScript उठाता है और इन दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है, मिक्स करके एक नई फाइल बनाता है और उस फाइल को रन करके हमें दिखा रहा होता है। अच्छा, वो फाइल लेकिन हम देख नहीं सकते कि वो फाइल इस वक्त कहाँ मौजूद है। ठीक है, ये सब लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अगर मैं ये बॉयलर प्लेट इस्तेमाल नहीं करता तो मैं रिएक्ट की ऐप को कैसे चलाता, रिएक्ट की ऐप को मैं बिल्कुल वैसे ही चलाता जैसे मैं एक्सियोस को अटैच करता हूँ ना, एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, उसको मैं अपने पास स्क्रिप्ट के थ्रू लगाता हूँ, तो मैं अगर बगैर इस बॉयलर प्लेट के चलाता तो मैं यही करता कि मैं एक स्क्रिप्ट का टैग लगाता यहाँ पे और स्क्रिप्ट का टैग लगा के ये तमाम की तमाम लाइब्रेरी जो कि मैंने अभी कहाँ पे रखी हुई है, पैकेज डॉट जेसन में रखी हुई है ये तमाम लाइब्रेरीज़। ठीक है, ये तीन एक्चुअली, तमाम भी नहीं बल्कि ये तीन भी क्यों, ये दो, क्योंकि स्क्रिप्ट भी फिर नहीं होता ना, फिर तो मैं हर चीज़ हाथ से कर रहा होता, ये दो लाइब्रेरी मैं अटैच करता स्क्रिप्ट के ज़रिए और मैं साथ में क्या करता, खुद की भी जावास्क्रिप्ट लिखता और ख़ुद की जावास्क्रिप्ट लिख के वो सारा कंपोनेंट वगैरह उसके अंदर लगा रहा होता मैं। ठीक है, तो हर चीज़ मेरे सामने हो रही थी, मेरे आँखों के सामने, लेकिन वो वाला अप्रोच हमने क्यों नहीं अख्तियार की, वो वाली अप्रोच हमने इसलिए नहीं अख्तियार की है क्योंकि उस अप्रोच में ज़रा सा हैंडल करना चीज़ों को मुश्किल हो सकता था अल्टीमेटली। ये जो अप्रोच है ना, ये Node.js वाली अप्रोच है, स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच है, ये वेब पैक वाली अप्रोच कहलाती है। अच्छा, पहले कुछ अरसे पहले तक ये वेब पैक वगैरह हमें खुद से सेटअप करना होता था, हमें रन करना होता था और हमें बकायदा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती थी कि अच्छा जी ये मेरी HTML है, ये मेरी JavaScript है, इन दोनों को मिला के ये एक फ़ोल्डर बनाओ और इस फोल्डर को मुझे रन करके दिखाओ, लेकिन यहाँ पे वो बैकएंड में हो रहा है सारा काम, मुझे नहीं दिख रहा वो।
अच्छा, अब सवाल ये है कि यार इसको मैंने अगर कहीं होस्ट करना है तो अब वो कैसे करूँगा मैं, क्योंकि मुझे होस्ट करने के लिए तो उसको जो कटी हुई भी फाइल है वो मुझे चाहिए ना। होस्टिंग को, होस्टिंग प्रोवाइडर जो है उसको ये थोड़ी पता है कि रिएक्ट क्या होती है, ठीक है। किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर को, चाहे वो फायरबेस होस्टिंग हो चाहे वो गिटहब पेजेस हो, इन किसी को भी इनमें से ये नहीं पता कि ये रिएक्ट क्या चीज़ होती है। इन ये बोलते हैं हमें प्लेन HTML CSS और JavaScript पता है, वो मिलेगी तो ठीक है, वो नहीं है तो फिर हम नहीं कर सकते कुछ आपका, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास कमांड, इस बॉयलर प्लेट में मुझे ये कमांड मिली है बना के, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा ये मेरे पास ऐप अभी भी रन हो रही है, राइट। मैं कोई भी चेंजेस करूँगा ये इसमें वॉच कर रहा है और ये ऑटोमेटिकली इसको रन करके मुझे दिखा रहा है। तो मैं इस कमांड को रोक देता हूँ, ठीक है। और कमांड को रोक के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे NPM रन बिल्ड चला देता हूँ। NPM रन बिल्ड चलाने से क्या होगा कि एक बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे बनेगा जो कि पहले मौजूद नहीं था, ठीक है। ये बन के कंप्लीट हो गया। अच्छा, मेरी ऐप क्योंकि अभी बहुत छोटी सी थी तो इसलिए मेरे पास क्या हुआ, ये फ़ौरन चल के ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ जब आपकी ऐप ग्रो करेगी तो ये 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड या 4 मिनट, 5 मिनट भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ऐप कितनी बड़ी होती जा रही है। अच्छा, तो बिल्ड का फोल्डर अगर मैं खोलता हूँ ना, तो ये बिल्ड का फोल्डर क्या है, ये एक प्लेन HTML CSS और JavaScript की ऐप है। इसमें और कोई रिएक्ट कोई चीज़ शामिल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, जो जो लाइब्रेरी लगी हुई थी उन यानी JavaScript को जब जोड़ा गया है ना, और जोड़ के HTML के साथ पक्का किया है इन्होंने जब, तो उस वक्त तमाम लाइब्रेरी को भी उठा उठा के उसमें जोड़ दिया। तो अगर मेरे पास ये बिल्ड का फोल्डर मौजूद है ना, तो मैं इस बिल्ड के फोल्डर को स्टैंड अलोन रन कर सकता हूँ, मुझे किसी और लाइब्रेरी को इसके साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस बिल्ड के फोल्डर को यहाँ से कट करके कहीं और ले जाऊँ, तो ये बिल्ड का फोल्डर स्टैंड अलोन इस काबिल है कि ये पूरी रिएक्ट की ऐप मुझे चला के दिखाएगा। क्यों? कि एट द एंड वो रिएक्ट की ऐप नहीं है, ये असल में प्लेन HTML CSS की ऐप है। तो इसमें आप देखें HTML के नाम से एक फ़ाइल है। अच्छा, इसमें जब बिल्ड बनाते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का और भी इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। जैसे कि एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं मिनीफिकेशन, मिनीफाई, और एक होता है अगलीफाई। मिनीफाई क्या होता है कि जो आपने वेरिएबल के नाम वगैरह रखे हैं या आपने जो स्पेस वगैरह दिया है, देखो इसमें स्पेस हटा के उसको ना सिंगल लाइन में कर दिया है इन्होंने, ठीक है सब कुछ वही डिव है और ID रूट है ना, वही है जो वहाँ लिखा हुआ था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, इसमें स्पेसेस वगैरह नहीं रखे हैं इन्होंने, वो हटा दिया। उससे क्या हुआ, फाइल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। फाइल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होने से फ़र्क ये पड़ेगा कि जब मेरी वेबसाइट लोड होगी, क्योंकि ये प्लेन HTML CSS है, अब इसमें कोई फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो इस फाइल का साइज़ मैटर करता है। जितना छोटा साइज होगा उतनी जल्दी वो डाउनलोड होगा और उतनी जल्दी स्क्रीन पे मुझे नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा काम जो, यानी ये तो मिनी फाई बता दिया मैंने, जो अगली फाई जो है वो क्या होता है कि कोड को ऐसा बना दिया जाता है कि आप उसको रीड ना कर सकें आसानी के साथ, ठीक है। स्टिल दिस इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी फीचर ही यही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स इंजीनियर नहीं हो सकता, इसको वापस भी एक्चुअल कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ज़रा सा थोड़ा दिमाग लगेगा उसमें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इतनी आसानी से नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये देखें आप इन्होंने क्या किया हुआ है, ये इंडेक्स डॉट जी एस की फाइल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे मेरे रिएक्ट की ऐप में मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, मेरी तो अभी एक ही है सिर्फ, और उसमें तो थोड़ा सा कोड है, ये इतना सारा कहाँ से आ गया। तो ये इतना सारा यहाँ से आ गया कि जो जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल मेरी ऐप में हुआ हुआ है, जैसे कि एक रिएक्ट डॉम करके लाइब्रेरी उसमें इम्पोर्ट हमने की हुई थी ना, जैसे मैं वापस अगर जाऊँ यहाँ पर अपने सोर्स में, तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्ट डॉम करके लाइब्रेरी इम्पोर्ट की हुई है और एक रिएक्ट करके इम्पोर्ट की हुई है। तो इन दोनों लाइब्रेरीज़ के अंदर भी जितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, वो मेरे बिल्ड में शामिल हो गई है अब, ठीक है। और यही वजह है कि ये जो मेरा बिल्ड का फोल्डर है, ये स्टैंड अलोन एक पूरी कंप्लीट ऐप है, इसको मैं डायरेक्ट रन करूँगा ये डायरेक्ट चलेगी। तो ये इतनी सारी जावास्क्रिप्ट असल में लाइब्रेरी है, मोस्टली ये क्या है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। और इन्होंने ना इसको देखिए, दो तीन फाइल बना देते हैं ये। एक मैप की फाइल है, मैप की फाइल क्या होती है कि जाहिर है जब मेरा बिल्ड बन जाता है जब, तो बिल्ड में जो लाइन नंबर है मेरा वो तो चेंज हो जाता है ना। जब स्पेस सारे हटा के मैं सिंगल लाइन में कर दूंगा, तो अब लाइन एरर जब भी आएगा तो वो बोलेगा लाइन नंबर वन, एरर तो जब भी आएगा वो बोलेगा लाइन नंबर वन। तो उसको लिए ना ये मैप की फाइल बनती है एक, ठीक है। सम हाउ इस मैप की फाइल में वो इस चीज़ को कीप ट्रैक रखता है कि कौन सी जो चीज़ थी ना वो किस लाइन नंबर पे थी, तो मुझे एरर में स्टिल ये लाइन नंबर सही दिखाएगा, मुझे एरर में स्टिल ये
लाइन नंबर इसको सही दिखाना चाहिए, अगर तो ये मैप वगैरह सब कुछ ओके है ना तो मुझे लाइन नंबर बिल्कुल सही दिखाएगा अगर कोई एरर आता है तो। तो ये हमने देख लिया कि जी हमारे पास क्या हो गया, बिल्ड का फोल्डर एक तैयार हो गया बन के। अच्छा, इस बिल्ड के फोल्डर को मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे जो एक्सप्रेस की जो ऐप थी मेरी, उसमें जो मैं स्टेटिक पब्लिक करके बनाता था फोल्डर, उसकी जगह मैं ये डाल दूंगा ना बिल्ड, तो ये एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको किसी होस्टिंग प्रोवाइडर पे होस्ट कर देता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको अपनी खुद की रिएक्ट की ऐप में ही, खुद की एक्सप्रेस ऐप में ही होस्ट किया करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं जी हम फायरबेस होस्टिंग, जो है वो क्या है, एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर है, तो हम इसमें देख लेते हैं ज़रा कि ये कैसे होस्ट होगी। गिटहब पेजेस में बिल्कुल हो जाती है, लेकिन ज़रा सा ट्रिकी है इसमें, किस में प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। अच्छा, गिटहब पेजेस में अगर आपने होस्ट करनी है ना तो थोड़ा सा ट्रिकी है वो, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको एक आर्टिकल, वो आप देख लेना। हाँ यार, मैंने यूज़ नहीं किया वर्सल। अच्छा एक मिनट, में क्या लिख रहा था, होस्ट रिएक्ट ऐप गिटहब पेजेस, सही है। यार एक मीडियम का आर्टिकल था, बड़ा अच्छा था वो, श्वेता श्वेता करके लड़की थी, उसका लिखा हुआ था। सही है, ये आर्टिकल भी सही बताया इसने, ये आर्टिकल भी जो है ना इसमें बात सही लिखी हुई है, तो इसको फॉलो कर लेना अगर किसी ने गिटहब पेजेस पे करना है ना अगर, तो इसको फॉलो कर लेना। एक इंडियन लड़की का आर्टिकल था, वो बड़ा उसने ना सिंपल और क्लियर कट लिखा था, वो अभी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको गिटहब पेजेस में होस्ट करें, क्योंकि वो ज़रा सा ट्रिकी है। वो ट्रिकी इस वजह से कि जो गिटहब पेजेस है ना, वो आपको डोमेन नहीं देता, सही है, सब डोमेन नहीं देता वो, आप वो बोलता है यार मेरे डोमेन पे चलाओ, फिर आप अगर सब डोमेन लगाना है आपने तो वो खुद नहीं देता, वो बोलता है भाई ख़रीद के लगाओ, फिर ख़रीदने में ज़रा सा ना फिर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आ जाती है आगे, ठीक है। स्टिल ये भी जो हम कर रहे हैं ना, ये इस वक्त हम वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, एक बनी हुई ऐप है मेरे पास SMIT बैज 9 में भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं तो ये बना हुआ है। इसमें मैं चला जाता हूँ और मैं होस्टिंग में चला जाता हूँ, और होस्टिंग में जाके मैं क्या कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड का बटन दबा देता हूँ। ओह, गेट स्टार्ट क्यों नहीं आया उसमें, इसको डिलीट कर सकता हूँ क्या मैं इस होस्टिंग को, अनदर साइट, चलो अनदर साइट कर देते हैं, सही है। और हाँ हाँ, मल्टीपल बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, इसमें मैं कह देता हूँ कि यार हेलो वर्ल्ड रिएक्ट SMIT, सही है, बड़ा लंबा सा लिखा है मैंने, तो फाइनली मुझे अवेलेबल मिल गया। अच्छा, ये दो हो गया, एक की जगह दो। अच्छा, ये जो मेरे पास पहले से बनी हुई साइट थी वो आ गई, और ये मेरे पास जो है ना अभी की बनी हुई साइट। अच्छा, इसको मैं अभी डिलीट भी कर पाऊँगा शायद, यार डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं पे भी। अच्छा, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैंने कहा व्यू छोड़ो यार, एक नई ऐप बना लेते हैं ये, वरना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी इससे ना, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, नई ऐप बना लेते हैं, नई ऐप बना लेते हैं, और इसमें मैं कह देता हूँ कि SMIT चैटबॉट B3, ठीक है, डिलीट दिस। ये मैंने डिलीट दिस इसलिए लगाया ताकि बाद में मैं इस ऐप को डिलीट कर दूं अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अच्छा, ये एनालिटिक्स है, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। डिसेबल करने से क्या होगा, ये मुझसे कुछ सवालात नहीं पूछेगा और सीधा ऐप क्रिएट कर देगा। अगर उसको मैं इनेबल करके बनाता तो मुझसे वो कुछ सवालात पूछता है, ठीक है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। मैं कहाँ पर आया हूँ, मैं आया हूँ console.firebase.google.com, ठीक है। आप गूगल पे जाके फायरबेस लिखेंगे तो भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और इस फायरबेस की के ऊपर आपको साइनअप नहीं करना पड़ता, बस लॉग इन विद गूगल करते हैं तो लॉग इन हो जाता है, सही है। और लॉग इन विद गूगल के बाद मैंने एक नई ऐप इसमें क्रिएट की है, नई ऐप क्रिएट करने से फिर आगे हम फ्लो को लेके चल रहे हैं।
अच्छा, अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो कि, तो ये मैं कई दफ़ा पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो अगर इसमें फ़्लो समझ ना आया कि यार ये हुआ कैसे, तो कोई और भी वीडियो मेरी देख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। या ग्रुप में पूछ भी सकते हो, ज़्यादातर लोगों ने ये पहले से किया हुआ होगा इस क्लास में। जो कितने लोग ऐसे हैं इस क्लास में जिन्होंने ये वाली होस्टिंग पहले से की हुई है, ठीक है। हाँ, तकरीबन 5-6 लोग हैं जिन्होंने की हुई है, तो बस आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो ना, अगर जस्ट इन केस। अच्छा देखो, ये मेरे पास ऐप बन के आ गई, मैंने क्या करना है, बिल्ड के टैब में यहाँ से जाना है, और बिल्ड के टैब में जाके मेरे पास होस्टिंग के नाम से एक यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, होस्टिंग पे क्लिक किया मैंने, गेटिंग स्टार्टेड का बटन दबाया, इसने कहा भाई आप ये करो अपने मशीन में, आप ये फायरबेस टूल्स नाम से CLI है, CLI टूल है, वो आप इंस्टॉल कर लो। CLI टूल क्या चीज़ होती है, पहले डिस्कस हो चुकी है बात, कौन बताएगा जल्दी से CLI टूल क्या होता है? हाँ भाई छोटे, कमांड क्या? नहीं, मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि फायरबेस टूल एक इस्तेमाल कर लो। फायरबेस टूल क्या है? एक CLI टूल है, ठीक है। फायरबेस टूल्स जो है ये एक पैकेज है जो एक्चुअल में CLI टूल है। CLI टूल क्या होता है? व्हाट इज़ अ CLI? हाँ भाई सही कह रहे हैं ये, हाँ भाई जो पीछे बैठे हुए तुम्हारे। CLI टूल क्या होता है? कमांड लाइन के थ्रू क्या ऑपरेट करेंगे भाई? कॉन्फिडेंस से बताया करो, जो भी बात बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है तुम लोगों में। बात सही भी करते हो ना तो ऐसे करते हो कि गलत लगता है। कालीन भैया वाली मूवी देखी है ना, उसमें वो ऐसे खड़ी होती है जो लड़की, बताती है भाई आज हम इस साल हमने लड़कियों के लिए, फिर वो ऐसे बुक खोलती है, बोलती है अच्छा 3,500 स्कूल बनाया हमने, बंद कर देती है वो, उस बुक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो बताती है ऐसे कि लोगों को लगता है कि वाकई देख के बताया है, जो एक्चुअल फिगर बताया है। सही है? तो भाई मैं ये नहीं कह रहा, झूठ बोलने की तरकीब नहीं दे रहा मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलो, सच बोलो, लेकिन भाई कॉन्फिडेंस से तो बोलो तो सामने वाले को लगे तो सही कि सच मतलब पता है कुछ तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी होती इस वजह से कि अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस जो है ना, जो कमी होती है वो जब ही होती है जब आपको सर्टेनिटी नहीं होती। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। डिटेल्स आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, जब ही तो आप कॉन्फिडेंटली बताओगे ना। आपको खुद ही जब शक होगा कि पता नहीं मुझे जो बताया बात वो सही है या गलत है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, ठीक है। इवन यहाँ पे मैं भी बहुत सारी बातें बोल के निकल जाता हूँ ऐसी, जो आई एम श्योर कि आप लोग घर जाके गूगल नहीं करते, तो भाई मैं बड़ी लंबी लंबी फेंकता हूँ ये बता दूँ, मेरी बात में जो आएगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, तो मेरी बात में आपको आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी बताता हूँ, चाहे वो टेक्निकल बता रहा हूँ या टेक्निकल के अलावा इधर उधर की बात कर रहा हूँ, उसको आपने जाके क्या करना है, क्रॉस चेक करना है इंटरनेट पे जाके, ठीक है। अगर कोई मेरी बात में आ रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सही है। तो बताओ CLI टूल क्या होता है? CLI जो होता है वो कमांड लाइन टूल होता है, ठीक है। कमांड लाइन टूल देखो, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरा होता है CLI, जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो क्या होता है? वो CLI होता है, ठीक है। कमांड लाइन पे चलता है ना, वो कमांड होता है ना, उसमें क्लिक तो नहीं करते ना जाके कुछ, उसमें क्लिक तो नहीं कर रहे होते ना। तो जो अभी तक हमने गिट इस्तेमाल किया है, कमांड लाइन टूल था वो, कमांड लिख के होता है, माउस से क्लिक तो नहीं होता ना किसी चीज़ पे, ठीक है। VLC प्लेयर ऑन अदर एंड किया वो GUI है, बटन पे बकायदा क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ ऐप्स होती हैं जो हाइब्रिड होती हैं, वो कमांड लाइन पे भी चलती है और UI से भी चल जाती है। तो एक होती है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरी होती है CLI। CLI में कीबोर्ड से होता है काम, माउस से बटन आपको, ऑन अदर एंड जो GUI होता है उसमें बटन बना हुआ दिख रहा होता है। एक तो होता है सिर्फ UI, जैसे ये है ना बटन बने हुए, जो ये जो क्या है उसको बोलते हैं यार, एम्पलीफायर पड़ा हुआ है ना माइक का, जो इसमें ये नॉब लगा हुआ है, और ये तो ये UI है, ये GUI नहीं है, है ना, ये सिर्फ UI है, ये एक्चुअल UI है जो यूज़र इंटरफेस मेरे लिए बनाया गया है। इसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, VLC प्लेयर में भी इसी तरह के नॉब्स होते हैं ना घुमाने वाले, लेकिन वो क्या होता है, वो ग्राफिकल, वो एक्चुअल बटन होते नहीं है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उस बटन की, ग्राफिक्स से उस बटन को मिमिक किया हुआ होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं GUI, ठीक है। तो GUI समझा दिया मैंने, CLI समझा दिया मैंने, और सिर्फ UI भी समझा दिया।
तो ये जो हमारे पास टूल है ना फायर बेस टूल्स, इसको हम क्या करेंगे अपनी मशीन में आके इंस्टॉल कर लेंगे। और इसको अपनी मशीन में इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, माइनस जी लगा के मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये पैकेज स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये मेरी पूरी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और सूडो मेरे लिए लगाना इसमें ज़रूरी होगा, सही है। सूडो मैं इसलिए लगाऊंगा इसके अंदर ताकि इसको परमिशन मिल जाए एडमिनिस, सूडो एज अ एडमिन, यानी इस कमांड को मैं चला रहा हूँ। सुपर डू है ये, सुपर यूज़र डू है ये। जैसे हमारे पास विंडोज़ के अंदर कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट बनाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा होता है, तो इसके अंदर क्या होता है सुपर यूज़र कहते हैं उसको, लिनक्स में और मैक में टर्मिनोलॉजी सुपर यूज़र कहते हैं। तो सुपर यूज़र के तौर पर मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, सुपर यूज़र जब मैं लगाता हूँ तो मुझसे वो पासवर्ड मांगता है, सही है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मशीन में मैंने कोई और यूज़र अकाउंट बनाया हुआ जो सुपर यूज़र नहीं है, तो उसके अंदर ये जब मैं कमांड चलाऊंगा ना तो ये किसी सुपर यूज़र के अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। ये इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये मेरे पैकेज जेसन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सही है। पैकेज जेसन के अंदर इसका काम नहीं है कोई, क्योंकि मैंने माइनस जी लगा के इंस्टॉल किया है। अच्छा, माइनस जी वैसे लगाने की अब ज़रूरत होती नहीं है, सही है। माइनस जी लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि उस पैकेज के अंदर ही बात मेंशन होती है कि ये क्या है पैकेज, ये पैकेज ग्लोबल पैकेज है, ठीक है। तो माइनस जी मैं ना भी लगाऊं तो वो ग्लोबली ही इंस्टॉल होगा, वो पैकेज जेसन में फिर भी नहीं जाएगा, ना मेरे नॉड मॉड्यूल में वो रिफ्लेक्ट होगा, नॉड मॉड्यूल में भी नहीं जाएगा वो। अबे जल्दी इंस्टॉल हो जा भाई। ग्लोबल के लिए लगाया ताकि ये जो टूल है ना ये ग्लोबली अवेलेबल हो जाए मेरे पास, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिर्फ इस फोल्डर की हद तक नहीं रहेगा, जब मैं फायर बेस लिखूंगा तो सिर्फ इस फोल्डर की हद तक नहीं रहेगा ये, बल्कि मशीन में मैं किसी भी फोल्डर में जाके अगर फायर बेस लिखूंगा टर्मिनल के अंदर तो मुझे वो टूल अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। जैसे कि गिट है, गिट भी मैंने जो इंस्टॉल किया वो ग्लोबल इंस्टॉल है मेरे पास, बट गिट मैंने इंस्टॉल कहाँ से किया है, डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, ठीक है। पहली क्लास में हमने गिट पढ़ा था, तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से हमने इंस्टॉल किया था। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं किसी पैकेज मैनेजर से भी डाउनलोड कर सकता था, बहुत सारे पैकेज मैनेजर्स हैं मेरे पास अवेलेबल जहाँ से मैं डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकता था, ठीक है। अगर विंडोज़ की हम बात करें तो विंडोज़ में चॉकलेटी के नाम से एक पैकेज मैनेजर होता है, तो चौको इंस्टॉल और आप लिखते गिट तो इंस्टॉल हो जाता वो, ठीक है। इसी तरह लिनक्स के अंदर एपीटी गेट करके पैकेज मैनेजर है, इवन लिनक्स के अंदर तो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं होता, उसमें करना ही उससे होता है पैकेज मैनेजर से, ठीक है। अच्छा, और मैक में जो है वो होम ब्रू है, होम ब्रू करके एक पैकेज मैनेजर है, वो बड़ा कॉमन है, बड़ा फेमस है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं उसके अलावा। तो होम ब्रू इंस्टॉल करता हूँ और मैं लिख लेता हूँ कि भाई, अच्छा मुझे जाके देखना होता है वैसे कि होम ब्रू में किस नाम से, जैसे मैं अगर जहाँ पे जाऊँ ना फायर बेस टूल्स लिखूँ, मैं फायर बेस टूल्स और साथ में मैं npm लिखूँ, तो ये npm का ये पेज बना हुआ है इसका, तो इसी तरह मुझे देखना पड़ेगा कि होम ब्रू में भी ये इसी नाम से या किसी और नाम से, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने मुझे बताया कि भाई ये ऐसे इंस्टॉल होगा और मुझे इसकी गिटहब का लिंक विंक सब मिल गया। तो अगर मैं किसी ऐसे पैकेज मैनेजर से कर रहा हूँ ना जो नॉन कन्वेंशनल है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि हो सकता है किसी दूसरे नाम से हो वहाँ पे, ठीक है। तो पैकेज मैनेजर समझ आ गया। पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जैसे प्ले स्टोर है ना, इस तरह की चीज़ होती है npm से। अच्छा, हर पैकेज मैनेजर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। जैसे मैं चाहूँगा ना गिट इंस्टॉल कर लूँ मैं npm से, तो npm के अंदर गिट मौजूद ही नहीं है। आई एम नॉट श्योर, क्या पता हो भी, लेकिन गिट मोस्ट प्रॉब्ली npm में मौजूद नहीं है, सही है, क्योंकि npm वाला आइटम नहीं है वो। npm के अंदर वो लाइब्रेरीज वाला आइटम है कि जी नॉर्ड से, नॉर्ड js से रिलेटेड जो चीज़ें ना वो आपको इस स्टोर में मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह जो यूज़र एप्लीकेशंस हैं, यूज़र एप्लीकेशन जैसे गूगल क्रोम, VLC प्लेयर, ये सारी चीज़ें, इसके लिए होमब्रू में जाऊँगा मैं, जो मैक का एक समझ लो प्ले स्टोर है मैक का वो, तो उसमें मैं जाऊँगा। अच्छा, मैक का एक अपना भी स्टोर है जो ऑफिशियल स्टोर है, उसके अंदर GUI की, तो गूगल क्रोम वगैरह सब उसमें भी अवेलेबल होता है, तो वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं, होमब्रू से भी कर सकता हूँ। इसी तरह विंडोज़ की अगर मैं बात करूँ तो विंडोज़ में अगर मुझे यूज़र एप्लीकेशन चाहिए VLC प्लेयर, गूगल क्रोम वगैरह, तो चौको से मुझे मिल जाता है वो, ठीक है। और विंडोज़ में ये भी ऑप्शन है कि डायरेक्ट उनकी साइट से डाउनलोड कर लूँ मैं, पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल ना करूँ, ठीक है। लिनक्स के अंदर ऑन अदर एंड जो है वो डायरेक्ट डाउनलोड करने वाला ऑप्शन ना बहुत कम जगह पे अवेलेबल होता है। जो यूज़र ऐप्स भी होती हैं जो ज़्यादातर इवन गूगल क्रोम, VLC प्लेयर, ये सारी चीज़ें, इसमें भी लिनक्स में डाउनलोड करने का जाकर डायरेक्ट वेबसाइट से ये बहुत कम जगहों पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। ज़्यादातर जगहों पे आप जाते हैं वेबसाइट पे, आप कहते हैं लिनक्स डाउनलोड, तो वो कमांड बता देता है, और वो कमांड क्या होती है, वो उनका APT गेट करके बड़ा फेमस है पैकेज मैनेजर, उसकी कमांड वो बता देता है, तो वो कमांड आप लिखते हैं उस पैकेज मैनेजर से वोट कर आ रहा होता है। अच्छा, तो जैसे ही मेरे पास ये फायर बेस टूल्स इंस्टॉल हो जाएगा, तो मेरे पास फायर बेस लिखूंगा ना जब मैं यहाँ पे CLI पे अपने,
तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सही है। अच्छा अभी तो मुझे उसने परमिशन का एरर दे दिया तो फायरबेस माइनस माइनस वर्जन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? अच्छा असल में क्या हो रहा है, ये फायरबेस की जैसी मैं कमांड चला रहा हूँ ना तो वो अपडेट चेक करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपडेट चेक करने की उसको परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि सूडो करके नहीं चलाया मैंने, तो मैं सूडो करके चला देता हूँ, सही है। हाँ अब उसने देखो चेक कर ली अपडेट और बता दिया कि भाई 12.4.8 जो है ना इसका वर्जन है इस वक्त जो इसमें इंस्टॉल हुआ। जी सूडो अभी तो बताया मैंने, सुपर यूज़र है। जैसे कि विंडोज़ में हम क्या करते हैं, कोई भी कमांड हमें एज एडमिनिस्ट्रेटर चलानी होती है तो मैं उसको कमांड लाइन को एज एडमिन रन करता हूँ पहले और फिर चलाता हूँ। इसके अंदर वो सीन ऐसा है कि आप सूडो लिख के चलाओगे ना कोई भी कमांड तो वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं वो कमांड चला रहा होता हूँ। अच्छा इसमें अच्छी बात ये है कि अगर मैं कोई भी कमांड सूडो करके नहीं चलाता हूँ तो उस कमांड के चलने के नतीजे में, जैसे अभी मैंने कमांड चलाई, मैंने लिखा बगैर सूडो का, मैंने लिखा सिर्फ फायरबेस माइनस माइनस वर्जन, तो मैंने बगैर सूडो करके अगर चलाया है ना और मेरी अगर कॉन्फ़िगरेशन सही है, मेरे सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं अगर वो सही हैं, तो बगैर सूडो के ना इसको ये अलाउ नहीं होगा कि ये कोई नई फाइल या कोई नया फोल्डर क्रिएट कर दे या किसी बनी हुई फाइल या किसी फोल्डर को मॉडिफाई कर दे या किसी बनी हुई फाइल या किसी बने हुए फोल्डर को डिलीट कर दे, ठीक है। इसको सिर्फ एक्सेस होता है एक ख़ास फोल्डर का जो इस एप्लीकेशन ने ही बनाया होता है खुद, सिर्फ एक खास फोल्डर का एक्सेस होता है, उसी में चेंजेस कर सकता है, बाकी किसी को भी ये चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं कोई कमांड चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस फोल्डर में ये चीज़ चेंज कर दो, तो वो नहीं करने देगा जब तक मैं सूडो नहीं लिखूंगा ना, कोई नई फाइल क्रिएट करने नहीं देगा उसको ये, ठीक है, कोई चीज़ डिलीट करने नहीं देगा उसको ये। जैसा कि इसने अभी अपडेट के लिए जो चेक किया है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपडेट के लिए चेक करके और उसको ला के फाइल में सेव किया होगा कि मैं अपडेट के लिए इतने इतने बजे चेक किया और कोई अपडेट नहीं है और लेटेस्ट वर्जन ये है, तो एक छोटी सी फाइल इसने कहीं ना कहीं बनाई हुई होगी, तो इस वजह से उसको सूडो की ज़रूरत पड़ रही है अपडेट चेक करने के लिए, ठीक है। तो सूडो समझ आ गया सब लोगों को? हाँ ये लिनक्स, अच्छा इसमें लिनक्स है सब में, क्या बात कर रहे हो? अबे मुझे भी नहीं आता भाई, यूबंटो मैंने कई दफ़ा इंस्टॉल किया और जो है ना मैं जितनी स्पीड से गया था ना यूबंटो पे उतनी स्पीड से उड़ता हुआ वापस आया हूँ मैं विंडोज़ पे। हाँ नहीं वो तो अभी चलो बता देते, लेकिन कुछ अरसे बाद तो वो इनवैलिड हो जाएगा ना। हैं चैट जीपीटी बैंकक्रप्ट हो रहा है? बहरहाल उसने चीज़ तो बना दी है ना, मार्केट में छोड़ तो दिए बना के, वाइट पेपर भी लिख दिया है, अब वो भले बंद हो जाए पूरी कंपनी लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो रहेगी ना, कोई और दे देगा इस तरह की चीज़ बना के। तो वेल नहीं वो भी कोई मुझसे कल भी जिक्र कर रहा था कि जो है ना जिस तेज़ी से ये ऊपर गए थे ना ये उसी तेज़ी से नीचे भी आ रहे हैं अभी, अब क्या रीज़न है उसका मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो है ना उस तरह से ज़ाहिर है शुरू में हाइप बन गई थी एक, तो हाइप की वजह से बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अल्टीमेटली ये रियलाइज़ हुआ होगा कि अच्छा जो हम समझ रहे थे ये वो नहीं है, या जो हमें जो करना चाह रहे थे हम वो इसमें अभी फ़िलहाल हो नहीं सकता, समझ रहे हो। इवन अभी भी जो प्रेस के अंदर ना, अभी आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो सारा कंप्लीशन मॉडल वगैरह, तो आप लोगों को भी रियलाइज़ होगा कि जो प्रेस के अंदर जो बातें हो रही है ना वो उसमें से 1% भी सच नहीं है बात। चैट जीपीटी इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग जो बताया जा रहा है प्रेस में, और जो लोग भाई आपने उससे ईमेल लिखवा ली, ईमेल लिखवा के करोगे क्या? कोई प्रैक्टिकल चीज़ है ये? कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ईमेल आपने बोला यार ईमेल लिख दो छुट्टी की, कोई प्रैक्टिकल चीज़ थोड़ी है। इससे बिजनेस कैसे खड़ा करोगे आप? इससे कोई ऐप बना लोगे आप? नहीं, इसके ऑन द टॉप ऑफ दिस कोई ऐप बनी नहीं सकती, क्योंकि बंदा डायरेक्ट उस पर खुद ही जाके लिखेगा ना, किसी ऐप में क्यों लिखेगा जाके, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो वो कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी इवन अभी भी कोई बात नहीं कर रहा। हाँ जो टेक रिव्यूअर्स हैं, जो रिव्यूअर बोल रहा हूँ मैं, जो मतलब हाईली टेक्निकल लोग हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, अब उन्होंने जाके वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन जो जनरल प्रेस है ना, जैसे ये मीडियम वगैरह और जो यानी न्यूज़ के जो चैनल्स हैं जिन्होंने शुरू में चैट जीपीटी को बड़ा कवरेज दी थी, उन्होंने अभी तक वो वाली बात नहीं की है जो एक्चुअल इसका है। वेल जो प्रेस होता है वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो हम स्पेशलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो हर चीज़ को जर्नल ओवरव्यू करते हैं, उनको जो समझ आया उन्होंने बता दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बात बताई है उसमें से मोस्टली चीज़ें गलत हैं, अपेरेंटली है वो। जब भी वो आप देखो कि न्यूज़ में ना हर चीज़ में वो लिखते हैं कि मुबैना तौर पे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखने में ऐसा लग रहा है मुझे, जिस जो बंदा दे रहा है ना ये रिपोर्ट, उसको लग रहा है कि ऐसा हुआ है। जैसे एक वीडियो फुटेज है उसमें लिखोगे यार मुबैना तौर पर डकैती की वीडियो है ना,
कि मतलब उसमें देखने से उस वीडियो को ऐसा लग रहा है कि वो डकैती किया, एक्चुअल में क्या हुआ वो उसकी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा, अपेरेंटली लिख देते हैं इंग्लिश में, वो बोलते हैं अपेरेंटली जो है ना ये दिस इज़ अ रॉबरी, एक्चुअल बात की वो जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, तो अपेरेंटली उन्होंने लिखा हुआ सारे चैट जीपीटी की न्यूज़ में भी, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली नहीं है असल बात की। अच्छा भी बेच रहे हैं, नहीं वो बिक तो रहा है डायरेक्ट, उसके प्रॉम्प्ट जो है ना उसका, उसके पूरे पूरे स्टोर बन गए अब तो, प्रॉम्प्ट जो है वो स्टोर में बकायदा बिक रहे हैं, मिड जर्नी के भी बिक रहे हैं, ओपन एआई के भी बिक रहे हैं, डाले टू के भी बिक रहे हैं, बहुत सारे स्टोर खड़े हो चुके हैं। अच्छा फायरबेस मैंने इंस्टॉल कर लिया, फायरबेस वर्जन में पूरी मशीन में अपने, इवन मैं यहाँ पे आके भी अगर फायरबेस लिखूंगा ना तो मुझे देखो कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है, सम हाउ मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ये नहीं बोल रहा कि नॉट रिकमेंडेड या नॉट, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं फायरबेस का ना अगर मैं क्या हटा दूँ, ई हटा दूँ अगर, तो ये फिर मुझे क्या बोलेगा, बोलेगा भाई ये तो कमांड ही नहीं है भाई, तो फायरबेस की कमांड मुझे मिलना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि फायरबेस सही इंस्टॉल हो गया है। अगला काम मैंने क्या करना है कि फायरबेस इनिट करना है, सही है, अच्छा लॉगिन करना पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन मेरे पास पहले से लॉगिन हुआ होगा एक्चुअली, फायरबेस लॉगिन किया मैंने, अरे भाई ठीक है ऑलरेडी लॉग्ड इन एज दिस। अच्छा इसको मैं लॉग आउट करके दिखा दूं, अच्छा लॉग आउट किया मैंने, लॉग आउट हो गया ये, सही है लॉग आउट फ्रॉम दिस दिस ईमेल। अच्छा मैं दोबारा से लॉगिन चलाता हूँ, दोबारा से लॉगिन चलाऊंगा मैं तो मुझे ये यस नो पूछ रहा है, मैंने कह दिया भाई यस, तो इसने एक यूआरएल खोला है मेरे ब्राउज़र पे, मैंने जो भी मेरा गूगल का अकाउंट था जिससे मैंने फायरबेस बनाया था उस पर मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही क्या हो गया मुझसे इसने कुछ बातें पूछ ली, मैंने अलाउ कर दिया बगैर देखे कि क्या पूछ रहा है वो, उसको मैंने अलाउ कर दिया, सही है। अच्छा इसने सफारी में भी खोल दिया एक साथ ही, दोनों पे खोल दिया, ठीक है, लेकिन एक पे खोलना इनफ है, दोनों पे खोलने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसने बोला कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल, तो ये इतना ईजी था। अब मैं दोबारा लॉगिन चलाऊँगा तो ये बोलेगा भाई ऑलरेडी लॉगिन, ठीक है, अच्छा लॉगिन हो गया मेरा, सब कुछ हो गया, बेहतरीन हो गया फायरबेस, अब करूँगा मैं इसको इनिट, फायरबेस इनिट चला दिया मैंने। फायरबेस इनिट में ना फायरबेस के बहुत सारे फीचर्स हैं, होस्टिंग के अलावा बहुत कुछ प्रोवाइड करता है फायरबेस, तो वो मैं उसमें से एक फ़ीचर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ होस्टिंग। अच्छा होस्टिंग में मेरे पास ना दो आ रहा है, एक आ रहा है जस्ट होस्टिंग और एक आ रहा है सेटअप एक्शन डिप्लॉय, ठीक है। एक्शन डिप्लॉय क्या होता है कि गिटहब से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं और जब भी गिटहब में आप पुश करते हैं ऑटोमेटिकली उसको वो उठा लेता है, लेकिन फिलहाल हम सिंपल वाली होस्टिंग करते हैं। एक्शन अगर आपने देखना है तो अलग से आप देख लीजिएगा इसके ट्यूटोरियल। अच्छा तो मैं एरो की दबा के ऊपर नीचे करता हूँ, होस्टिंग पे ला के स्पेस का बटन दबाता हूँ, ग्रीन हो गया ये, और ग्रीन होने के बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी कमांड क्या हो गई, आगे बढ़ गई। अब अगला सवाल मुझसे पूछ रहा है कि भाई यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो मैंने पहले वाले पे ही इसको जो है वो एंटर किया, यूज़ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और यूज़ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के बाद इसने मुझे बोला कि आईडी एंटर करो आप इधर ला के ना। अब आईडी मेरे यार ये कैसे आगे पीछे हो जा रहा है बार बार। अच्छा मेरे प्रोजेक्ट की आईडी मुझसे ये मांग रहा है, वेल तो यहाँ पे मैंने उसको बोला भाई इंस्टॉल मैंने कर लिया था, नेक्स्ट किया, फायरबेस लॉगिन भी मैंने चला लिया, फायरबेस इनिट अब चला रहा हूँ मैं, ठीक है, और लेकिन मेरे प्रोजेक्ट की जो आईडी है ना वो मुझे यहाँ दिख रही है, देखो ये मेरे प्रोजेक्ट की आईडी है, सही है, होस्टिंग से पहले पहले और ये प्रोजेक्ट के बाद बाद। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी आईडी थी, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करके एंटर किया जैसे ही, तो क्या हो गया, अगला सवाल पूछा इसने पूछा कि योर पब्लिक डायरेक्टरी इज़ अ फोल्डर रिलेटिव टू योर, अच्छा ये बता रहा है कि पब्लिक डायरेक्टरी होती क्या है, तो ये पूछ रहा है भाई पब्लिक डायरेक्टरी आपकी कौन सी वाली है, तो हमारी जो पब्लिक डायरेक्टरी है वो कौन सा है, वो बिल्ड का फोल्डर है जो अभी अभी बना है हमारे पास, ठीक है, एक प्लेन HTML CSS और JavaScript की ऐप है बिल्ड के फोल्डर के अंदर, तो बाई डिफॉल्ट देखो ये लिखा हुआ है पब्लिक, मैं क्या करूँगा यहाँ पर बोलूँगा बिल्ड और एंटर, ठीक है। अच्छा अब इसको क्योंकि बिल्ड के फोल्डर का पता लग गया तो ये कह रहा है कि यार अगला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है सिंगल पेज की ऐप बनानी है या क्या करना है। अच्छा कौन मुझे बताएगा, कितने लोगों को पहले रिएक्ट आती है, पहले तो हाथ खड़ा करो।
अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ भाई, अब बताओ कि सिंगल पेज ऐप में और नॉर्मल ऐप में क्या फ़र्क होता है? ये जो पूछ रहा है ना, ये क्या पूछ रहा है ये? ये पूछ रहा है ये कि एक ही दफ़ा मैं लोड करूं या नहीं करूं? नहीं, ये पूछ मतलब जो सवाल पूछ रहा है, मतलब मैं क्या बोलूं, यस बोलूं नो बोलूं? अगर मैं यस बोलूंगा तो क्या होगा और नो बोलूंगा तो क्या होगा? मेरा असल सवाल ये है। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, आर यू श्योर? चलो वो तो हम बाद में तुमसे ये सवाल लेते हैं कि आया गया रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है या नहीं है। अगर है तो कैसे है, मतलब क्यों आपको लगता है? वेल, अभी इसका मैं जवाब अगर यस दूंगा तो क्या होगा और नो दूंगा तो क्या होगा, मुझे ये बताओ। हाँ वो बना लेंगे अभी, हम बना लेंगे वो, लेकिन अभी तो चलो रिएक्ट को साइड पे कर दो ना। अभी तो प्लेन HTML CSS की हमारी ऐप है, जो बिल्ड का फोल्डर बना है वो प्लेन HTML CSS है, उसमें कोई रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अब उसके अंदर ये, या अगर मैं चार पेज की सिंपल वेबसाइट बनाता है HTML CSS वाली, चार पेज की सिंपल वेबसाइट होती है अगर, तो क्या उसमें मैं यस करूँगा तो क्या होगा, नो करूँगा तो क्या होगा? ये मेरे बात ही समझ नहीं आई। यस करेंगे तो सारी होस्ट हो जाएगी और नहीं, डिफरेंट राउट्स की अलग अलग फाइल, जरूरी नहीं है कि अलग अलग फाइल हो, जरूरी नहीं है अलग अलग फाइल हो। देखो रिएक्ट के केस में तो मैंने ये आप लोगों को जब ये फाइल दिखाई है ना मैंने, इसमें देखो ये पब्लिक बोल रहा हूँ, ये बिल्ड का फोल्डर है जो, इसके अंदर इंडेक्स किए की फाइल होगी, जितना मर्जी आप कोड बड़ा कर दो इंडेक्स किए की फाइल होगी, ये नहीं दो होती। अच्छा दूसरा, ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, ये भी एक ही फाइल होगी, आप जितनी मर्जी लाइव, अच्छा सम टाइम क्या होता है इसके चंक्स बना देता है ये, लेकिन एक्चुअल में वो फाइल एक ही रहती है, सही है? क्योंकि एक सर्टन जब डिग्री तक ये चला जाता है ना, एक सर्टन साइज तक, तो उसके बाद इसका चंक वन चंक टू चंक थ्री कर देता है वो, लेकिन एक्चुअल वो जब लोड होती है तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल और ये HTML की फाइल, ये तो हमेशा सिंगल पेज, ये सिंगल फाइल रहेगी, सिंगल पेज अलग चीज़ है, ये सिंगल फाइल अलग है, मतलब सिंगल फाइल बता रहा हूँ ये। हाँ भाई, इस सवाल के जवाब में अगर मैं यस बोलूँगा तो क्या होगा, नो बोलूँगा तो क्या होगा? वो लोग जिनको रिएक्ट आती है पहले से, वो लोग जिन्होंने फायरबेस पे पहले होस्टिंग की हुई है, हाँ मल्टीपल तो फाइल होगी नहीं, मल्टीपल हमारी राउट्स हमारे होंगे मल्टीपल, लेकिन फाइल मल्टीपल नहीं होगी। हाँ भाई छोटे, क्या पता लगा? हाँ नहीं, यस करने से होगा क्या? मैं मतलब यस करूँ या नो करूँ, मुझे देखो डिसीजन तो मैं जब लूँगा ना, जब मुझे पता होगा कि यार क्या होगा इसमें, ठीक है भाई? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि फिर चेक हो जाए ना कि किसको क्या आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, वरना जो बिगनर क्लासेस होती हैं आमतौर पर उसमें मैं सीधा सीधा बता के निकल जाता हूँ आगे। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, टाइम हमारे पास ज़रा कम है, अभी कंप्लीट भी करना है आज का टॉपिक। देखो ये पूछ रहा है कि यार कन्फिगर एज सिंगल पेज एप्लीकेशन, कि क्या आप इस होस्टिंग को, इस होस्टिंग में जो आप भेज रहे हैं ऐप, क्या वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है? ठीक है, तो यस और नो उस पर पूछ रहा है। अच्छा होगा क्या असल में? अगर तो मैं इसको करूँगा ना सिंगल पेज पे यस, ठीक है, तो वो क्या करेगा, री राइट ऑल यू आर एल टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, री राइट ऑल यू आर एल्स टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ ना, मेरी वेबसाइट क्या बनी थी, smitsysborg.com, चलो ये मेरी वेबसाइट, ठीक है, sysborg.com/profile लिखा ना मैंने, तो उसको घुमा के वो कहाँ ले आएगा, इंडेक्स पे लेके आ जाएगा, एरर नहीं देगा, 404 का पेज नहीं देगा मुझे, ठीक है। मैं स्लैश प्रोफाइल लिख दूँ, स्लैश ABC लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँगा, वो घुमा के मुझे क्या लेगा, स्लैश पे लेके आ जाएगा, ठीक है। री राइट ऑल यू आर एल टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा अगर इसको मैं नो करूँगा, तो नो करने की सूरत में क्या करेगा ये, उसको री राइट नहीं करेगा खुद से। अगर मैं स्लैश प्रोफाइल लिखूँगा तो वो स्लैश प्रोफाइल ही खुलेगा और मेरे सामने 404 का पेज आएगा,
ठीक है, और 404 का पेज ये बना देगा यहाँ पे। अभी देखो 404 का पेज बना हुआ नहीं है, मैं पब्लिक में जाऊँगा ना, सॉरी पब्लिक में नहीं, बिल्ड में ही, ठीक है, 404 का एक पेज ये बहरहाल बना देगा ये, और वो पेज खुला करेगा, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के अंदर हमारे पास, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, तो अगर ये बिल्ड के फोल्डर में कोई नई फाइल क्रिएट करता है तो वो क्या होगी, अगली दफ़ा बिल्ड चलाऊंगा वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब भी बिल्ड की कमांड चलाता हूँ तो बिल्ड के फोल्डर को पहले करता है डिलीट, और एक नया बिल्ड का फोल्डर बनाता है डिपेंडिंग ऑन कि अभी सोर्स में क्या लिखा हुआ है, यानी SRC में ना अभी जो कोड लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट एक नया फोल्डर बनाता है। तो अगर इसको मैं नो करता हूँ तो वो एक नई फाइल क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा 404.html, और जब भी कोई गलत URL लिखेगा ना जो एग्जिस्ट नहीं करता, उस पर वो वाला पेज खुलेगा, ठीक है। अगर मैं पहले नो पे डिफ़ॉल्ट है ना, तो मैं इसको नो कर देता हूँ पहले। अच्छा, ये GitHub एक्शंस पूछ रहा है, इसको भी मैं नो कर देता हूँ, सही है। देखो क्या इसने बोला कि रोट बिल्ड स्लैश 404.html। अब बिल्ड के अंदर इसने ये देखो बना दिया 404, और इस 404 में आप कुछ भी लिख दो, पेज नॉट फाउंड लिख दो, जो भी अपने हिसाब से CSS वगैरह आप लगा लो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ रिएक्ट में काम करेगी, लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाएगी फिर हमारे लिए, ठीक है। तो इस 404 को मैं वापस से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं, अरे क्या पूछ रहा है, अभी भी एक सवाल और पूछ रहा है मुझसे, ये पूछ रहा है कि index.html की फाइल पहले से बनी हुई है, क्या उसको मैं उड़ा के एक एम्प्टी फाइल रख दूँ वहाँ पे। तो मैंने इसमें भी कहा कि भाई नो, ठीक है, कंप्लीटिंग इनिशियलाइजेशन करा, लेकिन ये मुझे एक दफ़ा और चलाना होगा क्योंकि मैंने वो बीच में एक सवाल गलत कर दिया था, ठीक है। अच्छा, कभी भी मैं कोई सवाल इसमें गलत कर दूं तो हमेशा मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं ये init दोबारा चला लूं। अच्छा, init की कमांड चलाने से firebase.json की एक फ़ाइल बनती है ये वाली, ठीक है, ये वाली फ़ाइल बनती है, और एक firebase.rc की फ़ाइल बनती है, ठीक है। जब जब आप init चलाते हो ये दोनों फाइलें दोबारा से क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये जब तक ये फ़ाइल बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि init हुआ हुआ है ये। मैं दोबारा से यहाँ पर चलाऊँगा init की कमांड, और अब मैं जल्दी जल्दी सारे सवाल के जवाब दूंगा, जो कि ऑब्वियसली मुझे होस्टिंग, ठीक है, और बिल्ड, ठीक है, सिंगल पेज ऐप पे मुझे करना है यस, ठीक है, यस करूंगा तो मेरा बात बनेगी क्योंकि रिएक्ट की ऐप सिंगल पेज होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक डिप्लॉय है, मैंने कहा नो, और ओवरराइड index.html मैंने कहा नो, और ये सेट हो गया। देखो जब रीराइट मैंने किया ना तो इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बात लिखी हुई आई है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये रिएक्ट स्पेसिफिक है, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये रिएक्ट स्पेसिफिक है। यही काम जब मैं अपने एक्सप्रेस की ऐप में करूँगा ना, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक लाइन का कोड होता है express.static, उससे करके वो स्टेटिक पेजेस क्या हो जाते हैं, होस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी ये दो अप्रोच होती है मेरे पास कि मैं क्या कर दूँ, उसको एज अ सिंगल पेज कन्फिगर करूँ, वो जैसे ऊपर नीचे करते हैं और वो खुद ही होता है, मतलब कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है इसके पीछे, वो जस्ट उसकी प्लेसमेंट और ऊपर नीचे करके ना, और एक में मैं गेट लगाता हूँ, एक में मैं यूज़ लगाता हूँ, तो वो एक छोटी सी एक कन्फिग्रेशन है जिसको मैं हल्की सी चेंज करता हूँ तो ये चीज़ अचीव हो जाती है कि जी मुझे उसको क्या करना होता है, एज अ सिंगल पेज करना होता है, ताकि मैं स्लैश के आगे कोई भी बात लिखूँ ना, उठा के वो लाए index.html का पेज, कोई और पेज ना उठा के ले आए। हमने जो कुछ अरसे पहले अभी जो की थी, मतलब लास्ट से लास्ट क्लास में शायद हमने वो पढ़ा था कि स्टेटिक फाइलों को कैसे होस्ट करना है एक्सप्रेस में, वो वाली जो होस्टिंग की थी वो हमने वो सिंगल पेज वाली नहीं थी। उसमें क्या होता था, मैं स्लैश प्रोफाइल लिखता था तो स्लैश प्रोफाइल का पेज आता था, ऐसा ही था ना, तो वो सिंगल पेज वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। सिंगल पेज वाली कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह हम देख लेंगे जब पॉइंट उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अच्छा, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन यह हो गई कंप्लीट। अब मैंने क्या करना है इसके ऊपर, मैंने firebase.deploy की कमांड चलानी है, और ये क्या हो जाएगा, दोबारा से मुझे एरर दे देगा परमिशन का, सही है, सूडो करके मैं चला रहा हूँ अगेन firebase.deploy की कमांड। तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं, और ये सारी फाइलों को सेंड किया इसने, और कह रहा है भाई डिप्लॉय क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इसने मुझे होस्टिंग का एक URL दे दिया जिस पर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा तो इसको ये ओपन कर देगा, और ये वही सेम चीज़ ओपन हो गई जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है। और बाई डिफ़ॉल्ट आप ये देखें कि इसको ना इसने PWA भी बाई डिफ़ॉल्ट बना दिया, यहाँ पे देख रहे हो ये छोटा सा एक बटन आ रहा है, इसको क्लिक करता हूँ मैं तो इसको कह रहा है यार इंस्टॉल करना है, मैंने फ़िलहाल इसको इंस्टॉल नहीं करना, लेकिन ये फ़ीचर किसका है, PWA का फ़ीचर है, इसको इंस्टॉल किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं आप, जिसमें गूगल क्रोम चलता है उसमें चलता है ये, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, चाहे वो टैबलेट डिवाइस हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, ठीक है, डेस्कटॉप में तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम, चारों जितने भी हैं, जिसमें गूगल क्रोम चलता है ना उसमें ये फ़ीचर काम करता है। मैं इसको इंस्टॉल का बटन दबाऊंगा जब, तो ये क्या होता है मेरे पास एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, देखो ये ओपन हो जाता है, और जब भी जैसे मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ ना, जैसे मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ
ऐसे करके क्रोम लिखता हूँ और एंटर करता हूँ ना मैं, या इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो मेन्यू में जाके मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन स्टार्ट का बटन दबा के जैसे हम करते हैं ना, इसमें स्पॉट लाइट चलाता है, तो मैं इसमें जाके क्रोम लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो खुल जाता है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा, इस ऐप का नाम क्या था, क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम था इसका ना, तो अब मैं लिखूँगा क्रिएट, देखो आ गई है, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास आ गई एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये ओपन हो रही है। अच्छा, इसमें जो ऊपर ये पट्टी बनी हुई आ रही है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये किसका बटन आ रहा है, ये इन चीज़ों को भी मैं रिमूव कर सकता हूँ और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ मैं PWA की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं और फ़िलहाल हम वापस आ जाते हैं हमारी, ठीक है जी, इसको मैं अब कट कर देता हूँ। सिंगल पेज है। लेकिन अब सिंगल पेज क्या होता है ये एक अलग चीज़ है, ये जब पूछूंगा ये भी गूगल कर लेना पहले से कि सिंगल पेज क्या होता है, अभी मेरे वाले में देखते हैं ना। हाँ कर दो, देखो इसका मतलब है कोई गड़बड़ की है ना तुमने होस्टिंग करते हुए, मेरा क्यों नहीं आया, मेरा तो सही चला है। अच्छा ये पता है क्यों हुआ है, तुमने जब index.html वाले पे ना तुमने यस कर दिया, जब वो कह रहा था ना कि index.html फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू ओवरराइट दिस, तुमने उस पर यस कर दिया, इसलिए हो रही है। अच्छा देखो, हाँ उस पर नो करना था ना, देखो अब मेरे पास ये वाली प्रोजेक्ट के ऊपर जब मैं होस्टिंग का पेज खोलता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। मैंने 2-3 दफ़ा रिफ्रेश किया तो ये आया, ज़रा 2-4 इसको मिनट लग जाते हैं समटाइम। इसमें मेरे पास ये 2 URL आ रहे हैं, इन दोनों URL में से कोई भी मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस ऐप के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। मैं अगेन इसको बैक करता हूँ, और अगर मैंने कस्टम डोमेन अपना कनेक्ट करना है तो यहाँ से ऐड कस्टम डोमेन करके मैं यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड कर सकता हूँ फॉर फ्री। फायरबेस मुझे ये अलाउ करता है कि मैं कस्टम डोमेन फ्री में ऐड कर लूँ इसके अंदर, ठीक है। गूगल क्लाउड भी वैसे अलाउ करता है ये चीज़, लेकिन फायरबेस जो है ना वो होस्टिंग प्रोवाइडर एक वाहिद है। गिटहब पेजेस आपसे पैसे मांगता है, नेटलीफाई वगैरह भी आपसे पैसे मांगता है, कस्टम होस्टिंग आपको, कस्टम डोमेन आपको लगाने नहीं देता, ठीक है। अच्छा कस्टम डोमेन लगाना हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को शौक हो कि यार कस्टम डोमेन कैसे लगता है तो डोमेन उसके लिए ख़रीद लेना। डोमेन इज़ जस्ट लाइक अ सिम कार्ड, जैसे आप सिम खरीदते हैं तो आपको एक फ़ोन नंबर मिलता है, इसी तरीके से आप डोमेन खरीदते हैं तो आपको एक डोमेन नेम मिल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, नेमचीप एक वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ जाके आप डोमेन बाय कर सकते हैं। गो डैडी उसके अलावा एक बड़ा मशहूर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो बताओ यार क्या नाम है सर आपका, क्या नाम है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के नाम से हम सर्च करते हैं क्या कोई डोमेन अवेलेबल है। इसने बोला भाई abdullah.com तो टेकन है, ठीक है, मेक ऑफ़र कर सकते हैं, उसको ऑफ़र लगा सकते हैं, लेकिन कोई ले चुका है। abdullah.org, abdullah.gg ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन abdullah.org बड़ा महंगा है, $4,000 का, ठीक है। तो इसमें जो है ना कोई ऐसा भी होगा जो $1,000 का होगा, वैसे तो सारे ही इसमें महंगे आ रहे हैं अब्दुल्ला नाम में। देखो ये आ गया ना abdullah.pics, तो ये 1.80 का है, $1 का, ठीक है। या कोई और हम ज़रा कॉमन सा एक नाम लिख देते हैं, कोई हम लिख देते हैं कि यार डेवलपर। अरे भाई ये तो बहुत ही महंगा आ रहा है। अच्छा ये ना डोमेन में क्या होता है, 1 word और 2 word का हिसाब होता है। देखो 1 word लिख रहा हूँ ना, सारे महंगे आ रहे हैं। 1 word में देखो सब $300, $400, $500 की कहानी चल रही है। अब मैं इसको 2 word लिख दूंगा ना तो ये सेट हो जाएगा। जैसे मैं डेवलपर के साथ ना SMIT अगर मैं लगा दूं तो ये बिल्कुल ही चीप हो जाएगा, क्योंकि SMIT एक ऐसा वर्ड है जो ग्लोबली रिकग्नाइज नहीं है ना, है ना। तो ये देखो इसमें $2, $3 में कहानी घूम रही है, ठीक है, $2, 0.98 भी है developer smit.online। तो इस तरह करके आप सर्च करोगे जो भी आपको अच्छा लगेगा डोमेन, वो आप यहाँ से बाय करोगे, ऐड टू कार्ट करके पेमेंट करोगे आप, या आपको कुछ डैशबोर्ड सा एक दे देता है बना के DNS वगैरह के, उसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर किसी को शौक हो और उसने लगा के देखना हो तो डोमेन ख़रीद लेना भाई, डोमेन ख़रीद के यहाँ ले आना मेरे पास, मैं उसको अटैच करके सब लोगों को भी बता दूंगा और आपको डोमेन अटैच करना भी आ जाएगा, ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे। हाँ आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी ना इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये क्यों खुल रहा है बार बार मेरे पास,
इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हो गया, रिएक्ट की ऐप हमने फायर बेस होस्टिंग पे होस्टिंग कंप्लीट कर ली इसकी, ठीक है। अब अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है, इसको पहले तो कोड को मैं पुश कर देता हूँ, ठीक है, कोड को मैंने पुश कर दिया, इसमें वो सारी की सारी फाइल्स आ गई। अब हमने ये करना है कि इसी रिएक्ट की ऐप को लेकर हमने एक क्रड ऑपरेशन की तरफ मूव करना है ना, क्रड ऑपरेशन हमने करना था। अच्छा, लेकिन क्रड ऑपरेशन हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, रिएक्ट की अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमने सीखना है, जैसे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर पैरामीटर्स कुछ पास होते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं उसको, ठीक है, इस तरह कुछ हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें सीखनी है। तो वो सारी चीज़ें सीखते हुए हम क्या करते हैं, हम एक क्रड ऑपरेशन बनाने की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं उस आर्टिकल के अंदर।